हाय चैम्स, वेलकम टू कूल एकेडमी। आज हम लोग फिर रिवर बोट प्रॉब्लम के एनालिसिस करने आए हैं और पिछले लेक्चर मींस लेक्चर 29 को कंटिन्यू करते हैं। ये दो एक्सप्रेशंस हम लोग ने देखे थे वहाँ पे, और ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, यानी फर्स्ट लेक्चर जो हमने लिया था रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, तब से हम लिखते आ रहे हैं, जो कि ये बेस है इस पूरे थॉट का। और दैट वी बी इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन सेकेंड, वी बी आर प्लस वी आर मीन्स, ये चैप्टर जो है रिलेटिव वेलोसिटी का एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स का है। प्रॉब्लम्स सिर्फ आपको होती है इन तीन वेक्टर्स को पहचानने में, राइट? और जिसकी डिटेल हम लोग ने डिस्कस की अपने पिछले लेक्चर लेक्चर 29 में, आज हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे थोड़े डिफरेंट मेथड से। नॉर्मली हम जो डिस्कस किए हैं अपने पिछले लेक्चर में, जिसकी लिंक हमने ऊपर दे रखी है, वैसे ही हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको वेक्टर को हैंडल करना है डिफरेंट डिफरेंट वे में आना चाहिए। तो आज हम इसको हैंडल करेंगे दो मेथड से। एक ट्रायंगल है जो लॉ हमने पढ़ा था, और दूसरा है आई जे के फॉर्म में, जो कि सिमिलर टू एक्स वाई कॉम्पोनेंट है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं हम ट्रायंगल मेथड से। ये एंगल हमारा हो गया थीटा माइनस अल्फा, और ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया, ये एंगल हो गया हमारा थीटा माइनस अल्फा, राइट? अब इस ट्रायंगल में आप देखो, ये ओ है, ये हम एंगल, ये पॉइंट हम सी ले ले रहे हैं। तो अब ओ बी सी आप ट्रायंगल में हम वेलोसिटी ट्रायंगल बन गया, और इसमें हम साइन लॉ यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वी बी के, ये वी बी कौन सा है, ये ब्राउन वाला है, मीन्स ओ बी के सामने हमारा ये एंगल कितना है, ये अगर थीटा है तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, दैट इज 180 माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। और अब हम ट्रायंगल लगाएंगे, वी बी के सामने हमारा मेन, ये वी बी हमने लिखा, दैट इज वी बी डिवाइडेड बाय साइन, हम दैट इज 180 माइनस थीटा, और ये हमारा हो गया वी, यानी वी बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वी, ये वी है, वी के सामने वाला ये एंगल हो गया साइन अल्फा, और अब बच गया हमारा वी आर, वी आर के सामने हमारा एंगल हो गया, दैट इज वी आर के सामने हमारा एंगल, वी आर ये है और ये साइन थीटा माइनस अल्फा, राइट? ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, जो कि हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं जब हमारी ज़रूरत पड़े। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारा वी बी, और ये साइन थीटा, इक्वेशन हम कुछ भी बना लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज़ वी अपॉन साइन अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा वी आर अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। अब ये एक्सप्रेशन, यानी वी बी को हम इस लिख सकते हैं वी साइन थीटा अपॉन साइन अल्फ़ा, वी बी को हम लिख सकते हैं वी आर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस अल्फ़ा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम किसी फॉर्म में पूछ सकता है, तो आपको अगर ये एनालिसिस ट्रायंगल मेथड होगा तो आप इजीली कर लोगे, नहीं तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लगेगा वी बी, वी और वी आर में रिलेशन। तो एक ये तरीका था। अब हम आई जे के फॉर्म देखते हैं। आई जे के फॉर्म एक्चुअली एक्स एंड वाई कंपोनेंट के इक्वलेंट है, पर अगर 3D में आ जाए तब हमारा आई जे के का फॉर्म हमारा यूज़फुल हो जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आई जे के फॉर्म में इसके एनालिसिस करते हैं, राइट गाइस? इस इक्वेशन से हम देखें कि वी बी क्या है, रिजल्टेंट है इस वेलोसिटी वी का और वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर का, यानी इसकी जगह हम वी समझ सकते हैं। और अब हम इस फंडे का इस्तेमाल करेंगे आई जे के का, मीन्स इस वी बी को हम टू कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे जैसे एक्स वाई में किया था, पर इस बार हम
आईजे के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम वीबी को लिखना चाहें, जो कि ये है हमारी वीबी, यहाँ पे ये हमारी वीबी है, तो उसको हम लिखना चाहें तो हम वीबी को लिख सकते हैं, दैट इज़ वीबी इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको लिखेंगे, दैट इज़ वी बी इसका मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा आई प्लस वी बी साइन अल्फा जे, ये हमने लिख दिया। इसी तरह बाकी कंपोनेंट लिखेंगे, वी रिवर तो आसान है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज वी आर आई, और एक बज गया हमारा दैट इज वी बी विद रिस्पेक्ट टू आर, और इसको हम लिखेंगे वी, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया रहता है वेलोसिटी इन स्टिल वाटर या स्विमर कैन स्विम इन स्टिल वाटर, और इसको हम लिखेंगे दैट इज वी कॉस थीटा आई प्लस वी साइन थीटा जे। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस हुआ। अब ये रिजल्टेंट है किसका, इन दोनों के एडिशन का। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो अब आप देखो वी आर को अगर हमने ऐड किया प्लस वी बी विद रिस्पेक्ट टू आर से, तो आई आई कॉम्पोनेंट हमने ऐड किया, तो ये हो जाएगा हमारा दैट इज़ वी आर प्लस वी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आई प्लस जी कॉम्पोनेंट इसमें है नहीं आर में, सिर्फ ये बचेगा दैट इज़ v साइन थीटा इंटू जे, राइट गाइस। तो ये हमारा सिंपल है। अब ये हमारा क्या है, इसका रिजल्टेंट है, यानी ये और ये इक्वल है एज पर दिस इक्वेशन, तो आई आई कॉम्पोनेंट हम सेम कर देंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जो कि हमने डिराइव किया था एक्स वाई कॉम्पोनेंट में। अगर के कॉम्पोनेंट होता तब भी हम इसी तरह करते, इन दोनों को इक्वेट करते, यहाँ के कॉम्पोनेंट हो जाता तो हम उसी तरह एनालिसिस करते। सो वी कैन राइट दिस वी कॉस अल्फा इज इक्वल टू इधर आई कॉम्पोनेंट है दैट इज वी आर प्लस वी कॉस थीटा, राइट, और ये हमारा वी बी साइन अल्फा, ये हमारा हो गया वह जे कंपोनेंट जो कि वाई, हम लोग ने वहाँ वाई कंपोनेंट ट्रीट किया था, इसको इक्वेट किया, यहाँ जे कंपोनेंट यहाँ सिर्फ ये है दैट इज़ वी साइन थीटा, राइट। ये हमारा दो एक्सप्रेशन हमने वहाँ पे, ये दो इक्वेशन हम लोग ने अपने पिछले लेक्चर 29 में भी डिराइव किए थे, उसमें एक्स वाई कंपोनेंट निकाला था। एक्चुअली आई जे के भी उसी तरह है, एक्स वाई कंपोनेंट और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक मेरा बताने का मेन मकसद ये था कि हम इसे के फॉर्म में अगर आता है हमारे न्यूमेरिकल में तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, उसको के फॉर्म में यहाँ लिखेंगे और यहाँ भी हमारा के का फॉर्म आएगा और फिर हम इक्वेट करेंगे और देन एक तीसरा इक्वेशन भी आ जाएगा, राइट गाइस। तो हम मतलब दोनों वे से इसे देख लिया, और सिंपल सी बात है, ये हमारा जो ये हमारा क्या आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, जो कि हम इसको याद करते हैं v साइन थीटा। अगर टाइम निकालना हो तो बिकॉज कांस्टेंट है यहाँ पे वेलोसिटी, तो हम टाइम इज़ डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी से निकालते हैं, और जो कि हमने पिछली बार भी निकाला था, जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हमारा इक्वेशन, ये वेलोसिटी वी बी कॉस अल्फा हमारी रिस्पॉन्सिबल होगी, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगी वी बी साइन अल्फा, और जो कि बराबर है वी बी साइन थीटा से। थीटा हमने हॉरिजॉन्टल से लिया है, यानी रिवर की वेलोसिटी से लिया है एंगल, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अगर हमने टाइम यहाँ निकालना है क्रॉस करने का, तो यानी वर्टिकल निकालना है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा दे रखा है टी, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा वी बी साइन अल्फा, तो हमने इसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं हम हर चूज, तो हमने इसे वी बी साइन अल्फा लिखा, और वी बी साइन अल्फा जो कि ये लिखा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं वी साइन थीटा, राइट। ये हमारा एक्सप्रेशन आया टी का, और हॉरिजॉन्टल का निकालना है तो दिस टाइम इनटू दिस वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल विल गिव द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने पहले 29th लेक्चर में देखा था। तो ये हमारा हो गया डी अपॉन वी साइन थीटा, राइट। अब इस लेक्चर में हमें इससे मतलब है, इसका मिनिमम टाइम मुझे चाहिए, राइट गाइस।
तो मिनिमम टाइम को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, राइट। तो हम ये सब मिटाते हैं, तो ये हमारा टाइम आया। अब टाइम मिनिमम कब होगा? मिनिमम जब होगा जब हमारा वी हम चेंज नहीं कर सकते जो गिवन है, विड्थ ऑफ रिवर हम चेंज नहीं कर सकते डी जो गिवन है, हम ये एंगल चेंज कर सकते हैं, यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज़ वन। और वो कब होगी? जब थीटा हमारा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मींस अगर टी मिनिमम हमें चाहिए, दैट इज टी मिनिमम अगर मुझे चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। यानी फॉर टी मिनिमम, ये हम एक बार फिर लिखते हैं, दैट इज डी अपॉन वी साइन थीटा, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। और ये कब होगी? व्हेन थीटा क्या होगा? 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री हो गया, मींस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री पे हमारा क्या होगा? मिनिमम होगा। मींस अब जो ये बोट इस समय यहाँ से जा रही है, वर्टिकली जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही है जो कि एंगल थीटा है, ये बोट क्या होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए, जो अभी हम लोग भी देखेंगे वीडियो, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी वी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तब हमारा टी जो मिनिमम आएगा, मिनिमम के लिए ये चीज़ क्या होना चाहिए? मैक्सिमम, जो कि हम लोग ने देखा। तो टी मिनिमम एक्चुअली क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिनिमम नहीं लिखना था, ये मिनिमम कार्ड यहाँ लिखते हैं। टी मिनिमम हमारा हो जाएगा, दैट इज टी अपॉन वी, ये हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलो पहले हम वो वीडियो देखते हैं जहाँ पे ये मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये एक्सप्रेशन हम याद करते हैं, और साथ में ये भी एक्सप्रेशन मुझे याद होना चाहिए, राइट गाइस। तो चलो पहले हम वहाँ चलते हैं और वहाँ एनालिसिस करते हैं कि जब हमारी ये बोट जो कि अभी एंगल पे जा रही है, अब वर्टिकल मूव होती है, तब एनालिसिस करते हैं जहाँ टी मिनिमम टाइम हमारी ये आती है, राइट। अब आप देखो, फॉर मिनिमम ये बोट स्ट्रेट गई, लेकिन ये रिवर का फ्लो है राइट हैंड साइड में, तो ये धीरे से ये टर्न हो गई, और अब वो इस गर्ल को ये बोट इस डायरेक्शन में मूव दिखती रही। लेकिन एक्चुअली अब VBR की जो कि V हम लोग लिखते हैं, इसकी डायरेक्शन क्या है? अब वर्टिकली है, इधर की ओर मूव किया है। इस गर्ल को ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में दिख रही होगी, ये स्टेट इस तरफ जाएगी, राइट। इसको लग रहा होगा इस पाथ को फॉलो कर रही है जो इस बोट पे बैठी है गर्ल, लेकिन जो ये रिवर बैंक पे खड़ी है ये लड़की, इसको लग रहा है कि इस तरह ये जा रही है और ये यहाँ पे पहुँचेगी, राइट। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस हो जाएगी ये देखो, ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस, इसको लेट इट बी एक्स हम ले लेते हैं लाल, तो ये एक्स डिस्प्लेस हो गई हॉरिजॉन्टल पे। इसको ये लड़की जो रिवर बैंक पे खड़ी है, इसको इतना डिस्प्लेसमेंट दिखेगा, और इसको ऐसा लगेगा जो कि बोट पे गई लड़की, वो सीधा इसको लगेगा कि यहाँ पे आई, राइट गाइस। तो चलो अब हम मिनिमम टाइम निकाल लिया, दैट इज डी बाई वी होगा, डायरेक्शन हमने देख लिया। अब इस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को निकालते हैं, एक्स जो कि है वो होगा हमारा, दैट इज एक्स इज इक्वल टू, वही है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पे? थीटा की वैल्यू हमने क्या ले ली है? 90। तो दिस टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है? हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बिकॉज थीटा इज 90, तो कॉस 90 इज 0, तो ओनली रिवर वेलोसिटी विल लेफ्ट। सो यहाँ लिखेंगे जी, ये जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है ये हमारा हो जाएगा, दैट इज वी आर इंटू टाइम, टाइम हमने अभी निकाला, दैट इज वी आर, अभी हमने टाइम निकाला, वो था हमारा डी बाई वी। ये हमेशा एक्सप्रेशन याद रहेगा, अगर यानी ये एंगल, अगर हम ये एंगल अब देखें, एक्चुअली अल्फ़ा हमने ये लिया था अपने जनरल थॉट में, ये अल्फ़ा लिया था हमने, अगर इसको कंप्लीट करें हम ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ, तो ये हमारा बना, ये अल्फ़ा हमने लिया था, थीटा तो हमारा 90 हो गया, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, जो रिवर्स से ये वी भी बना रहा है जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये लड़की देख रही है, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? अल्फ़ा। अगर हम यहाँ से साइन अल्फ़ा लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जो कि ग्राउंड फ्रेम से ये लड़की देखेगी इस एंगल से जाते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा, दैट इज़ वी अपॉन, साइन अल्फ़ा इज़ वी अपॉन वी बी
और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका टैन अल्फा इज इक्वल टू वी अपॉन वी आर। ये सब चीज़ें हमने कहाँ ली हैं? हॉरिजॉन्टल से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर हम वी बी की वैल्यू देखें तो वी क्या हो जाएगी हमारी, दैट इज अंडर रूट, दैट इज वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यस गाइस, हम लोग ने यहाँ पे मिनिमम टाइम निकाल लिया, और जो ग्राउंड से ये लड़की देख रही होगी किस एंगल, वो भी हम लोगों ने बता दिया, दैट इज साइन अल्फा वी अपॉन वी बी। वी बी की वैल्यू मुझे यहाँ पता है, तो एक्सप्रेशन आपका अपने आप याद हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया जो कि हमारा डिस्प्लेस होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस बोर्ड का जो कि यहाँ पे हमने इस एक्स से लिखा हुआ है, राइट। इतना ये डिस्प्लेस हो जाएगा, राइट गाइस। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो बोट है ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन यानी क्रॉस किस तरह पहुंचेगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस बोट को डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। बेसिकली इसमें हमने मिनिमम टाइम निकाला, दैट इज सिंपल डी बाई वी। वी इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रिवर जो कि हम लेते हैं, या वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर इन स्टिल वाटर, हमेशा ध्यान देना। तो डी अपॉन वी, इसका मूवमेंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट, मतलब जस्ट 90 डिग्री अपने रिवर से ये बनाएगा वी, और तभी ये मिनिमम टाइम में पहुंचेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जहां इसे यहां शॉर्टेज डिस्टेंस की तरह लग रहा है इसको यहां पे, तो ये इस पाथ को वी फॉलो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पहुंचे वो किसी डायरेक्शन में, लेकिन उसे जो शॉर्टेस्ट पाथ दिख रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो मिनिमम टाइम अचीव करेगा। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। इसका यूज़ हम आगे करेंगे जब ये बोट ग्राउंड और रिवर दोनों में इस जो इस पे बैठा हुआ है बंदा, उसे जाना पड़े और मिनिमम टाइम उसको फाइंड आउट करना पड़े, तो हम इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ यूज़ करेंगे, राइट गाइस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम अक्रॉस द रिवर देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।